हमारे इष्ट, है हमारे देवता, है हमारे खुदा, आप हमको कुछ दो या मत दो, लेकिन हमारी भारत माँ को बेड़ियों से मुक्त कराने के खातिर ऐसा आशीर्वाद दो कि भारत माँ एक बार फिर से आजाद होकर के इस देश में स्थापित हो जाए। जिस भारत ने पूरे विश्व को सभ्यता संकेत देने का काम किया, आज वह भारत माँ करा रही है बेड़ियों में यह प्रचंड भावना लेकर के आजाद की। जब निकले क्रांतिकारी साथियों के साथ, तब हमको आज विरासत में आजादी रूपी देश भारत मिला है। और आज आजादी के 65 वर्ष बाद भी आज फिर से भारत माँ करा रही है, आज करा रही है भ्रष्टाचार के बेड़ियों से, आज करा रही है राज जनता की बेड़ियों से, आज करा रही है घोटाला की बेड़ियों से। कौन काटेगा फिर से भारत माँ के बेड़ियों को? कौन काटेगा आज भ्रष्टाचार की बेड़ियों को? कौन काटेगा आज अराजकता की बेड़ियों को? कौन काटेगा आज घोटाले की बेड़ियों को? आज आह्वान करने आए हैं हमारे प्रदेश के नेता, भारत के भावी भाग्य विधाता श्रीमान पंकज सिंह जी कि उठो जवानों, फिर से एक बार भारत माँ चिल्ला रही है, फिर से भारत माँ खतरे में पड़ने जा रही है। आज भारत माँ 65 साल बाद ही आज करार दी है। 65 साल पहले भारत माँ एक तरफ आजाद हुई और हमारे ही कुछ नेताओं के कृत्यों के द्वारा एक तरफ आजाद होती है और एक तरफ उसका टुकड़ा काट करके पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाता है। आज फिर से भारत माँ का टुकड़ा करने के खातिर चाइना अपनी गिद्धित भारत पर लगा चुका है और हमारे संसद में बैठे हुए नेता मौन है। आज पीड़ा होती है आजादी के जन्मदिन के अवसर पर, आजादी की आत्मा तड़प रही होगी, क्या सोच रहे होंगे कि आज जिस देश के खातिर उनके जैसे न जाने कौन उसमें नहीं था उनके साथ। आज की हम दलित जात की बात करते हैं, उस समय उनके साथ हर संक्रमा और भी थे जो आज अपने घर का सब कुछ बेच करके उस समय उनके पास दलित जात में होते हुए भी उनके दादा रंगून रहते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और हरशंकर माहौर पूरा घर का खजाना अपने ले आकर के चोरी से आजादी के चरणों में भारत माँ की खातिर दे देते। और आज चोरी से देश का खजाना, भारत के लोगों का दिया हुआ टैक्स का पैसा विदेशों में भेज दिया जा रहा है और भारत के लोग और भारत की जनता, भारत के सपूत आज मौन है। कौन काटेगा आज इन बेड़ियों को? आज आजादी के जन्मदिन के अवसर पर आप और हमको सबको मिलकर के यह सौगंध लेना पड़ेगा, भारत माँ की आजादी जो हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके दे दी, लेकिन एक नई आजादी के लड़ाई लड़ने के खातिर चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर भारत के एक एक व्यक्ति को जब आजाद का सपना साकार करना है तो हम तो आज गोली भी हमको नहीं खाना है, हमको आज अंग्रेजों से भी नहीं टकराना है, लेकिन हाँ आज जो गोरे अंग्रेजों के कुछ नाजायज औलाद के रूप में काले अंग्रेज हमारे और आपके बीच में आ गए हैं, हमको और आपको आजादी के जन्मदिन पर उनको भगाने के खातिर आज यहाँ पर सौगंध लेना पड़ेगा। आज देश खतरे में फिर से भारत का करा रही है और आज यह बस्ती जनपद पुराना रहा है। आदरणीय पंकज सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे आप नेता भी है, आजादी का बस्ती जनपद से बहुत अटूट प्रेम रहा है। जब यह जनपद संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में विभाजित नहीं था तो इस बस्ती जनपद को यह सौभाग्य मिला था कि यही बासी से 8 किलोमीटर दूर गांव तेजपुर के गांव है। यहाँ पूरे गांव में हमारे सिर्फ पिछड़े भाई के टोटल 100% में 7 घर सिर्फ हमारे संस्वार बिरादरी भाई लोगों का है और बाकी सारा यादव बिरादरी का घर है। तेजपुर गाँव 8 किलोमीटर बासी से सटे हुए है। हम सबको जब जानकारी हुई आज के 5 वर्ष पहले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हम सबके बीच में नहीं रहे श्रद्धे धनराज यादव जी, वो उस समय उद्यान मंत्री थे, उस गांव में जाकर के आजाद जी जिस गांव में रुके थे उनकी एक सुंदर प्रतिमा वहां स्थापित करने का काम किए, एक कमरा उनके नाम पर बनवाने का काम किए और उसी जनपद का यह रंग जो आज संत कबीर नगर है, यहाँ पर भी आप ही के जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन रहे श्रद्धेय ओम प्रकाश खन्ना जी, तो उन्होंने भी जिस मूर्ति पर अभी आदरणीय पंकज जी माल्यार्पण करके आ रहे हैं, उन्होंने भी आजाद जी की प्रतिमा लगवाने का काम किया। तो बस्ती जनपद में विशेष रूप से आजाद जी स्थापित है। तेजपुर गाँव का नाम पुनः परवश इसलिए आता रहता है कि जब मैं उस गाँव में गया और हमको जानकारी हुई कि तेजपुर गाँव में रात भर उस समय आजादी के मतवाले के रूप में जब आजाद जी रात भर रुके थे, अंग्रेजों को किसी तरह से पता चल जाता है कि तेजपुर गांव में चंद्रशेखर आजाद जी रात भर निवास किए,
सवेरे ही वह भोर में ही याद रखते हैं आजाद जी को खोजने के खातिर, और नमन करता हूं उस गांव के लोगों को कि उन लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए आजाद जी को एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और एक मोटी डाल के बीच में निकाल देते हैं। और पक्की जानकारी थी अंग्रेजों को कि आजाद जी इसी गांव में रुके हैं, गांव के एक एक खेत को निकाल करके पूछते हैं आजाद जी को, बताओ नहीं तो गोली मार दी जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि गांव का एक भी व्यक्ति बताने का उस समय दुस्साहस नहीं किया। इतनी प्रचंड भावना थी आजाद जी के प्रति उस गांव के लोगों में, इतनी प्रचंड भावना थी उस गांव के लोगों में भारत माँ के प्रति। और अंग्रेज 51 लोगों को वहां पर सरेआम खड़ा करके और बार बार धमकी देते हैं, जब नहीं अगर आजाद जी को बताओगे तो गोली चल जाएगी। लेकिन वाह रे वो भारत माँ के वीर सपूत, वाह रे वो तेजपुर गांव के लोगों कि जिन्होंने अपने सीने पर तपाती हुई गोलियां खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन आजाद जी के बारे में बताने का काम नहीं किया। वह बस्ती जनपद आपका क्षेत्र रहा, इसलिए आजाद जी का जन्मदिन इस जनपद में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 51 लोगों का नाम, सफेद धनराज यादव जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वहां पर एक शिलापट बनवा करके, और भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में जब हम सबके नेता इस देश के भाग उठाता सफेद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी के रूप में उन्होंने जब वहां प्रस्ताव रखा तो उस समय उद्यान विभाग में बजट नहीं था और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा कि अरे ऐसे कार्यों के लिए तो और भी विभागों का बजट में उड़ेल दूंगा, धंधा जी एक मूर्ति नहीं, आप जो चाहिए उतना काम करवाइए। और वह मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर अपना बजट देने का काम किए, विशेष रूप से इसलिए बस्ती जनपद का विशेष अधिकार भी बनता है आजाद जी को याद करने का। पुनः एक बार आप सबके बीच में हमारे नेता प्रदेश के महामंत्री आदरणीय पंकज जी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें अभी वो आपको बताएंगे। आप इस उमस भरी गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए, उसके लिए आपका, हमारे नेता आदरणीय पंकज जी का, प्रदेश के आए हुए हमारे अन्य नेताओं का, हमारे सहयोगी जनपद बस्ती से आए हुए हमारे सभी सम्मानित नेताओं का, मैं इस तामेश्वर नाथ की पावन भूमि पर और विश्व के सूफी संत श्रद्धे कबीर जी के पावन निर्वाण स्थली पर एक बार पुनः मैं यहाँ पर बैठे हुए अपने सभी महान राष्ट्र भक्तों का, अपने पत्रकार बंधुओं का, अपने सभी सम्मानित नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार आप पूरी आवाज के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।